बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। ईद नज़दीक आ रही है जी, तो सोचा कि चलो शॉपिंग कर लें, क्योंकि फिर कपड़े लाने और सिलाई करने थोड़ा टाइम रह गया ईद के लिए भी। ये मैं अपनी बेटी के साथ बाज़ार आई हुई थी और घर में पहनने के लिए चप्पलें नहीं थी, मैंने कहा चलो पहले ही वही खरीद लेते हैं। और ये देखें जी, यहाँ से हम लोगों ने अपने सूट लिए और यहाँ से फिर लेस वगैरह ली सूटों पे लगाने के लिए, क्योंकि इनके बगैर तो सूट मुकम्मल होते ही नहीं है ना। बाज़ार शॉपिंग करते करते हमें लग गई भूख और हम लोग आए इधर गोलगप्पे खाने के लिए, और बाज़ार जाएं और गोलगप्पे ना खाएं ये तो हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि ये तो लाजिम होता है ना कि गोलगप्पे या चाट वगैरह खानी होती है। और जी गर्मी तो इंतहा की थी, कोई हिसाब ही नहीं है। हम लोग अभी लेट ही घर से निकले थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बाज़ार में रश भी काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद हम लोग ज्वेलरी शॉप पे आए और मेरी बाजी थी मेरे साथ और मेरी बेटी थी और भांजी भी थी मेरे साथ, उन्होंने भी ज्वेलरी वगैरह लेनी थी। उन्होंने टॉप्स ली, इयररिंग्स ली, मैंने बस टॉप्स ही लिए। और ये देखें जी, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी यहाँ पर। शॉपिंग तो कर ली, अब हम लोग घर के लिए निकल पड़े। तो ये जी हम लोग घर पहुंच गए हैं। घर आते ही मेरी बेटी ने जल्दी से आड़ू निकाले और आड़ू का जूस बना के देने लगी कि मम्मा ये मैं बनाती हूँ, आपको भी देती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ। तो ये आड़ू का जूस बनाया उसने और ठंडा करके मुझे दिया, तो बहुत मज़ा आया पीने का मुझे। मैंने उसको बोला कि आप जल्दी से बना लो और मैं कपड़े चेंज करके तो जल्दी से आ जाती हूँ, तो फिर आप जूस ले आओ। और दोनों बैठ के तो पीते हैं। वीडियो जी बड़ी मुश्किल से बनती है और बड़ी मेहनत होती है इसके ऊपर, कभी कभी कुछ अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन फिर वही हिसाब। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।